हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 28 सितंबर 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की करते हैं शुरुआत। दोस्तों, अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को। टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू एजुकेशन है, आप उसे भी ज्वाइन कर लेना मेरी हर क्लासेस के नोटिफिकेशन के लिए। प्यारे बच्चों, हम लोग 1 अक्टूबर से एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग एक्चुअली नेशनल करंट अफेयर और जीके साइंस ऐसा कुछ मिक्सअप सा एमसीक्यू का सीरीज होगा ये, और ये मॉर्निंग के अंदर होगा। हर रोज सुबह 11:30 बजे का ये सीरीज होगा आपका। इस सीरीज में हम लोग डेली जो है ना एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे और ये सेशन बड़े इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, जिसके अंदर हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपको दिल्ली पुलिस एग्जाम दे रहे हो या आप हरियाणा ग्रुप डी दे रहे हो या आप जैसे चंडीगढ़ पीआरटी दे रहे हो, तो उन सभी एग्जाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होगा। नेशनल करंट अफेयर उसमें होगा एक्चुअली, लेकिन वो करंट अफेयर बेस्ड जीके होगा और पुराने करंट अफेयर जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रहे हैं हमारे लिए पुराने इन द सेंस इसी साल के अंदर, ठीक है ना, वो भी हम लोग करने वाले हैं। सो आप अगर इसके इच्छुक है इन द सेंस कि आप अगर इन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं कोई भी, तो आप कनेक्ट हो सकते हैं मुझसे और उन सेशन को हम लोग लाइव करने वाले हैं, ठीक है। वैसे बहरहाल अभी फिलहाल भी 11:30 बजे सेशन होता है एक जो करंट अफेयर है, तो इस साल के बीते हुए साल के कुछ करंट अफेयर का प्रैक्टिस करवाता हूँ 30 मिनट के लिए मैं सुबह सुबह। कल एक सवाल देखे गया था, उस सवाल का ठीक जवाब क्या था कि हरियाणा में कौन सा विभाग हर घर की रजिस्ट्री पर एक साइकिल देने वाला है। तो हर घर की रजिस्ट्री पर एक साइकिल देने वाला है और ये जो डिपार्टमेंट है इसका नाम है HSVP डिपार्टमेंट है, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण डिपार्टमेंट, ठीक है। आप मुझसे अगर HSSC TGT पंजाबी का बैच या ग्रुप डी के 4000 MCQ का बैच या HTET के लिए बैच चाहते हैं तो स्टार IQ एप्लीकेशन को लॉग इन कर सकते हैं आप। हरियाणा में कौन सा विभाग हर घर की रजिस्ट्री पे देगा, तो मैंने बता दिया। पर आज का पहला करंट अफेयर क्या है, पूरे भारत में क्रेन बनाने में हरियाणा कितने परसेंटेज का योगदान देता है। तो पूरे भारत में क्रेन बनाने के मामले में हरियाणा राज्य का जो योगदान है वो है 52%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा, 52%। देखिएगा जो एक्सट्रावेटर्स होते हैं आपके इस प्रकार के जो एक्सट्रावेटर्स होते हैं ना आपके इन द सेंस ये JCB टाइप की मशीनें समझ लीजिएगा आप लोग, 80% ये हरियाणा बना रहा है। देखिएगा टू व्हीलर 60% हरियाणा बना रहा है, इसके अलावा 52% क्रेन जो है ना ये हरियाणा बना रहा है, 50% कार हरियाणा बना रहा है। तो शेयर इन इंडिया ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन की अगर बात करते हैं डियर, तो इसको आप लोग जाना करते हैं डियर, इस चीज को अच्छे से याद कर लेना डियर, ठीक है। सो शेयर इन इंडिया एंड ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन हरियाणा ग्लोबल ऑटो हब, इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा डियर, ठीक है। सो नेक्स्ट आप अगर आगे बढ़े तो आज का अगला करंट अफेयर है कि एशियन गेम्स में 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में रिदम सांगवान ने कौन सा पदक अपने नाम किया है डियर। तो इस सवाल का ठीक आंसर क्या होगा, वैसे ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। विच मेडल हैज बीन वॉन बाय रिदम सांगवान इन द 25 मीटर पिस्टल टीम इवेंट इन द एशियन गेम्स। तो इस सवाल का आंसर गोल्ड रहेगा और ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले सवालों में से एक है, कॉपी पर लिख लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। ये है रिदम सांगवान, इनका परिवार मूल रूप से हरियाणा के नारनौल या महेंद्रगढ़ से संबंधित है, फरीदाबाद में ये रह रहे हैं। और वैसे अगर पूछा जाए कहाँ से है तो फिर तो कहा ही जाएगा यही कि ये नारनौल से है, पर फिलहाल के लिए फरीदाबाद और दिल्ली के अंदर इनके पिताजी एक्चुअली DSP हैं, तो करके वो पोस्टिंग के अकॉर्डिंग जगह जगह पे अब किसी न्यूज़पेपर में इनको फरीदाबाद बता रखा है, किसी न्यूज़पेपर में इनको दिल्ली बता रखा है, पर मूल रूप से पैतृक रूप से नारनौल है, ये नारनौल से संबंधित है ये। अच्छा, इनके अलावा मनु भाकर भी थी, ये जो मेडल इन्होंने जीता ना ये टीम इवेंट में जीता है। तो सोना जीतने वाली बेटियों की कहानी में पहले नाम है ईशा सिंह, ये हालांकि हैदराबाद से संबंधित है, एक मनु भाकर अपने हरियाणा के झज्जर की है ये, और रिदम सांगवान तो मैंने बता ही दिया, तो ये तीन बेटियां हैं। एशियन गेम्स 2023 में भारत के लिए अब तक कुल 16 पदक हो चुके हैं, जिनमें भारत ने 4 गोल्ड 5 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और मेडल टैली में ओवरऑल 7वें पोजिशन पे है हमारा पूरा इंडिया। अच्छा सर, मनु भाकर 18 फरवरी 2002 को हरियाणा के झज्जर में इनका जन्म हुआ था। मनु टेनिस, स्केटिंग, बॉक्सिंग ये क्या करती थी, 14 साल की हुई तब शूटिंग में करियर बनाने का फैसला किया इन्होंने।
और इसके अलावा 2018 में मनु ने यूथ ओलंपिक गेम्स में 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड जीता था और ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी थी। 2019 में भी इन्होंने चीन के अंदर एक वर्ल्ड कप हुआ था, वहां पे भी इन्होंने फाइनल के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। अच्छा, ईशा सिंह 18 साल की है, 2018 में 10 मीटर एयर पिस्टल में नेशनल चैंपियन बनी थी, 19 में जर्मनी में जूनियर वर्ल्ड कप में सिल्वर मेडल जीता था ये। साल 2014 में ईशा का प्रोफेशनल शूटिंग का करियर स्टार्ट हुआ था ये, और ये रिलेटेड किसे, आंध्र प्रदेश मतलब पहले था, पर अभी तो तेलंगाना या हैदराबाद से ही कहिएगा आप लोग। डीएसपी की बेटी है रिदम सांगवान, हरियाणा के नारनौल की रहने वाली है और बचपन से ही शूटिंग का शौक रहा है इनको, और अब तक जो है ना ये रिदम सांगवान वर्ल्ड चैंपियनशिप में टोटल 11 मेडल जीत चुकी है ये फिलहाल के लिए, ठीक है। हरियाणा में किस गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में मान्यता दी गई है? एग्जाम ओरिएंटेड सवाल तो है ही है ये, और इसके अलावा कौतूहल का लिए भी सवाल है कि हरियाणा राज्य के अंदर भी सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव है ये। अच्छा सर, पहले तो बताइए पर्यटन की बात एकदम कहां से आ गई? पर्यटन की बात इसलिए आ गई क्योंकि हम 27 सितंबर को इंटरनेशनल टूरिज्म डे के रूप में सेलिब्रेट किया करते हैं। नेशनल टूरिज्म डे कब आता है हमारा? वो 25 जनवरी को आता है, लेकिन वर्ल्ड टूरिज्म डे के रूप में, विश्व पर्यटन दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 27 सितंबर को। तो ध्यान रखिएगा 27 सितंबर को तो होता है नेशनल इंटरनेशनल वाला, और नेशनल वाला कब होता है? वो होता है 25 जनवरी को। इस दिन हालांकि वोटर डे भी होता है आपका। तो अभी भारत के सर्वश्रेष्ठ गांव में से, ऐसा मत समझना कि भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ यही है, वो भी बताऊंगा कौन सा है, पर भारत के सर्वश्रेष्ठ गांव में जो है ये गांव है तलाव गांव, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सवाल का ठीक है, तलाव गांव को सर्वश्रेष्ठ गांव में नाम शामिल किया गया है। अभी तलाव गांव जो है ना सर, ये कौन सी लिस्ट में आया है? ये कांस्य लिस्ट के अंदर आया, मतलब ब्रॉन्ज लिस्ट के अंदर सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में इसको मान्यता मिली है। सर ये तलाव गांव कौन से जिले का है? तो ये हरियाणा के झज्जर जिले का ये गांव है। ग्रामीण पर्यटन सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसके रूप में इसको शामिल किया गया है, और इसकी यहाँ इस गांव की एग्रीकल्चर, इस गांव का जो सांस्कृतिक विरासत है वो पर्यटन के मामले में सबसे अच्छा है, इसके लिए ही इस गांव को शामिल किया गया। वर्ल्ड टूरिज्म डे के दौरान हरियाणा के झज्जर के तलाव गांव को कांस्य पदक की श्रेणी के अंदर सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 के रूप में मान्यता दी गई है। भारत मंडपम में हरियाणा पर्यटन को यह प्रतिष्ठित सम्मान देकर सम्मानित किया, किसने? केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा ही सम्मानित किया गया है। अच्छा सर, वैसे हरियाणा लगातार पर्यटन के रूप में बढ़ावा कर ही दे ही रहा है, जैसे कि हरियाणा का सबसे पहला पर्यटन के रूप में या पर्यटन हब जो है ना वो पिछले साल 29 सितंबर को खुला था, पिछले नहीं 2021 में खुला था, पंचकुला का मोरनी हब है उसको ओपन किया था। और तलाव गांव देश भर में 775 गांवों में से तलाव गांवों को पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन या ग्रामीण पर्यटन में उत्कृष्ट योगदान के चलते हुए, एक्चुअली इस गांव में खास प्रकार की अगर बात करें ना तो यहाँ की पारंपरिक कृषि पद्धति है, मतलब जो पुराने समय से चली आ रही एग्रीकल्चर के जो तरीके हैं ना उनको ये गांव अपना रहा है। इसके अलावा जो यहाँ के जो इंडस्ट्रीज है, यहाँ का टिकाऊ खाद बनाने का तरीका है, जल संरक्षण है, इसके लिए ये गांव जाना जा रहा है, इसी को सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी ये हिस्सा ले रहा है। इसके अलावा तलाव गांव भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण, हरिवन औषधि वाटिका, नवग्रह वाटिका, ऐसे प्राकृतिक आश्रयों से भी घिरा हुआ है, मतलब इसके आजू बाजू ये, जैसे सुल्तानपुर और भिंडावास तो ये दो रामसर साइट भी है, अगस्त 2021 में इनको रामसर साइट का टैग मिला था, तो झज्जर में ये वैसे भिंडावास तो, लेकिन सुल्तानपुर गुरुग्राम है, लेकिन आजू बाजू का ही इलाका है, तो लोग वैसे भी आते जाते ही रहते हैं। उसके अलावा भी अपने आप में ये गांव इस प्रकार की पद्धतियों को अपनाए बैठा है, तो करके भी सर्वश्रेष्ठ है ये। तो 775 में से तो बेस्ट मिल गया, ये तो चलो ठीक है। आप मुझे कमेंट में बताना हरियाणा के टूरिज्म या हरियाणा के पर्यटन मंत्रालय को कौन संभालते हैं, वैसे तो आपको अच्छे से याद है पर फिर भी आप कमेंट में बताइए जरूर, उनके बारे में ये बताइए कि एक्चुअली वो कहां से जीते हुए हैं, ठीक है। अच्छा, भारत में सर सबसे बेस्ट या सर्वश्रेष्ठ गांव कौन सा है? तो भारत में सबसे बेस्ट गांव है तेलंगाना के दो गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में सिलेक्शन हुआ है। पहला गांव है एक आपका पेम्बरथी, दूसरे गांव का नाम है चंदलापुर। पेम्बरथी और चंदलापुर ये दो बेस्ट गांव है,
हस्तशिल्प के लिए, एक्चुअली ये पेम्बरथी जो है ना, ये हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है। काकतीय राजवंश के समय से हस्तशिल्प और धातु के कामों के लिए प्रसिद्ध माना करते हैं इसको। पित्तल के जो नकाशीदार बर्तन है, मूर्ति है, सजावट के समेत बहुत सारी चीजें बनाई जाती है जो दुनिया के और देशों के अंदर भी जाता है। तो मतलब ये ना केवल भारत में बल्कि दुनिया के बहुत सारे देशों में भी प्रसिद्ध है ये पेम्बरथी। और जो चंदलापुर है ना, ये हथकरघा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जैसे कि गोल भांबा साड़ियों के उत्पादन के लिए भी, और इसके अलावा बुनाई के लिए बड़ा प्रसिद्ध है ये। इस करके चंदलापुर जो है ना, ये सिद्दीपेट जिले के अंतर्गत आता है तेलंगाना में। इनको बेस्ट, तेलंगाना वैसे भी ओवरऑल बेस्ट ही जाना जाता है, रैपिडली ग्रो किया है, एक ऐसा राज्य है हमारे भारत का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखना इसे। अच्छा, एक बात ये भी याद रखना कि स्टेट प्रेसिडेंट कौन है तेलंगाना बीजेपी से, यूनियन मिनिस्टर फॉर कल्चरल जो टूरिज्म एंड जो हमारा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है ना, इसको कौन संभाल रहे हैं, आप ये भी मुझे कमेंट में बताना, ठीक है ना। मतलब भारत में केंद्रीय मंत्री कौन है ये बताना, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल एंड टूरिज्म को संभाल रहे हैं, बताना आप लोग यहाँ पे। और तेलंगाना के बारे में भी आप बता सकते हैं दो तीन पॉइंट, जैसे तेलंगाना कब बना था, तेलंगाना बना था 2 जून 2014 को बना था। कौन सी समिति के आधार पे बना था, ये बना था श्री कृष्णा समिति के आधार पे बना था, श्री कृष्णा समिति के आधार पे बना था ये। तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद है, याद रखना आप लोग, ठीक है। हरियाणा के यमुनानगर के गांव शाहपुर के युवा खिलाड़ी परमिंदर सिंह ने रोइंग के कॉडल स्कल में कौन सा पदक जीता है, तो रोइंग के कॉडल स्कल के अंदर अभी रिसेंटली इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, यानी कि कांस्य पदक। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का ठीक था। 25 सितंबर 2023 को चीन के अंदर 19वां एशियन गेम्स हुआ था, उसमें हरियाणा के यमुनानगर के गांव शाहपुर के एक युवा खिलाड़ी है परमिंदर सिंह, इन्होंने रोइंग के क्वाड्रल स्कल के अंदर ये ब्रॉन्ज मेडल लिया है। परमिंदर सिंह की टीम ने 2 किलोमीटर की दूरी को पार करके कांस्य पदक लिया है रोइंग के डबल स्कल में। परमिंदर सिंह के साथ पंजाब के बठिंडा के सतनाम सिंह ने हिस्सा लिया है। और क्वाड्रल स्कल एक्चुअली नाव नौका दौड़ होती है, ठीक है ना, और इसमें इन्होंने अपने कांस्य पदक इतने दूर इतने समय के अंदर कंप्लीट पूरा कर लिया इन्होंने ये। इसके अलावा परमिंदर सिंह पहले बास्केटबॉल के प्लेयर भी रह चुके हैं, तो ये पॉइंट पे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। चलो, एक बात तो ये तो आपको याद हुई है, ये इस टाइप की चैंपियनशिप होती है ये, ठीक है। चलिए सर जी, आप लोगों के लिए अगला सवाल है कि हरियाणा में किस जिले में 1 अक्टूबर से GRAP लागू होगा। GRAP लागू होने वाला है कहां पे, गुरुग्राम के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का ठीक है। GRAP का पहला चरण लागू होगा, एयर क्वालिटी के हिसाब से इसे लागू किया जाएगा। ये GRAP होता क्या है, इसका मतलब है ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान है। मतलब यूं समझो, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होगा उसको सुधारने के लिए कोई दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करेगा तो उसमें फाइन भी लगेगा। 1 अक्टूबर से कंस्ट्रक्शन और तोड़फोड़ को लेकर निर्देश देते हो, कई घर बनाते हैं और तोड़फोड़ करते हैं तो बहुत ज्यादा हवा के अंदर जो छोटे छोटे आपके पार्टिकुलेट मैटर है वो फैल जाते हैं, उस वजह से नुकसान तो समझिएगा हमारे फेफड़ों का खैर होता ही है। तो मौसम में बदलाव के बाद दिल्ली NCR की हवा प्रदूषित होने की संभावना ही रहती है, तो उनके लिए ही एक 4 चरण बनाए गए हैं, जिसमें से एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर 201 से 300 के बीच होगा तो GRAP के पहले चरण को लागू किया जाएगा। अगर एयर क्वालिटी 300 से 400 के बीच में रहती है तो सेकंड फेज होगा, इसमें डीजल जनरेटर पर रोक लगा दी जाएगी। 200 से 300 के बीच में होगा तो निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों के निर्देश जारी किए जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि निर्माण कार्य बंद हो जाएंगे या तोड़फोड़ बंद हो जाएगी, लेकिन उसके लिए प्रॉपर गाइडलाइन होगी, उन्हीं को ही फॉलोअप करना पड़ेगा। 300 से 400 के बीच में अगर एयर क्वालिटी हो जाता है तो समझो कि डीजल जनरेटर बंद करने पड़ेंगे। 400 से 450 के बीच में हो जाएगा तो तोड़फोड़ और बनाने घर बनाने वाले या निर्माण कार्य है उन पे पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी जाएगी, भी कुछ समय के लिए बनाइए मत, रोक ही दीजिएगा। और 450 से ज्यादा अगर हो जाता तो ये बेहद खराब की श्रेणी होती है, इसमें बहुत सारी तमाम तो पाबंदियां तो खैर रहेगी, इसके अलावा और भी बहुत रिस्ट्रिक्ट से रूल अप्लाई किए जाएंगे। ये NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का एक नया प्रस्ताव है, जिससे एयर क्वालिटी इंडेक्स को थोड़ा सुधारा जा सके। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान हो गई, मतलब अलग अलग ग्रेड में बांट दिया ना, जैसे ये ग्रेडेड क्या है, ये 200 से 300 का ग्रेड, 300 से 400 ये ग्रेड बांट दिए, उसके बाद में एक्शन प्लान है ये आपके, ठीक है।
चलिए सर, इसी के साथ ये वाला सेशन तो होता है आपका वाइंड अप सेशन। कैसा था? आप फीडबैक दे सकते हैं, स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे आप जा सकते हैं बैचेस के लिए, हरियाणा जीके को बहुत ही इन डेप्थ और डिटेल में पढ़ने के लिए। प्लस में उनके साथ ही पूरे करंट अफेयर्स का सेशंस भी आपके अवेलेबल रहेंगे और पीडीएफ तो अवेलेबल रहेंगे रहेंगे सबके। तो आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं कि किस यूनिवर्सिटी में 3 अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, बताना आप लोग इसके बारे में पर्टिकुलर डिटेल से। और हाँ, सीईटी के लिए मेंस के लिए प्रेफरेंस सभी बच्चे जरूर फिल कर देना, चाहे आपका मतलब पेपर था या नहीं था, मतलब क्वालिफाई अगर आप हैं तो आप प्रेफरेंस फिल कर देना। इसके लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बना रखा है, उसको भी आप देख सकते हैं। शुक्रिया डियर, और राधे राधे। सुबह 11:30 बजे लाइव भी आ सकते हैं आप लोग, ठीक है।